बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे आलू वाले समोसे, बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये वाला कप। 3 चम्मच मैंने मक्खन लिया है, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून जीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे, डो तैयार कर लेंगे हम। एक कप पानी शामिल करूंगी अच्छे से। ये हमने सख्त डो बनानी है, नरम नहीं बनानी। डो हमारी तैयार है, ये मैंने ऑयल लगाया है। कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। अब हम मसाला रेडी कर लेते हैं। यहाँ मैंने 6 आलू लिए हैं, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। मैश करते हैं। आलू मैश हो चुके हैं, अब सारे स्पाइसी शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, हसबे ज़रूरत हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, 1 छोटी नॉर्मल साइज़ की प्याज चौटी हुई। अच्छे से हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी है, इसको साइड पे करेंगे। अब हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। नॉर्मल साइज के सारे पेड़े हम तैयार कर लेंगे। इस साइज के पेड़े हमारे रेडी हैं। ऑयल ब्रश करेंगे। ऑयल ब्रश हो चुका है। अब हम छोटी सी रोटी बेल लेंगे समोसा तैयार करने के लिए। ये मैंने खुश्क मैदा लिया थोड़ा सा, वो डस्ट किया था। हल्के हाथों से रोटी बेलेंगे इस साइज की, दरमियान में से छुरी से काट लेंगे। ये गुलाई वाली साइड पे हम पानी लगाएंगे। इस तरह से हम समोसा तैयार कर लेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया था आलुओं का, इसके अंदर शामिल करेंगे। ऐसे बंद कर लेंगे। बाकी सारे भी मैं ऐसे ही तैयार करूंगी। और मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था, ज्यादा गर्म नहीं करना, हल्का ही करना है गर्म, ताकि हमारे समोसे जले ना। समोसे हमने शामिल कर लिए। 5 से 8 मिनट लगेंगे पकने में, फ्राई होने में। ये बहुत ही क्रिस्पी और यमी तैयार होंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइट ब्राउनी रखेंगे, डार्क ब्राउनी हमने करने, ताकि जले ना। बाकी सारे भी मैं ऐसे ही फ्राई करूंगी। बारिश के मौसम में ऐसी चीज़ें खाने का बहुत मज़ा आता है, या मेहमान आए हों या दावत पे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। चूंकि अब मैं निकाल लूंगी, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। बाकी भी मैं ऐसे फ्राई करूंगी। समोसे हमारे रेडी हैं, ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आई है, बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी तैयार हुए हैं।
आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।